नीतीश जी के साथ आरजेडी के लोग जो बर्ताव कर रहे हैं अब सभी लोग देख रहे हैं अब इस तरह का बर्ताव नीतीश जी बर्दाश्त कर रहे हैं यह तो उनका व्यक्तिगत मामला है लेकिन बिहार के लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है नीतीश जी को भी सोचना चाहिए आज मुख्यमंत्री हैं तब आरजेडी के लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं और कल नहीं रहेंगे तो उनके साथ क्या बर्ताव होगा दूसरा कि मुख्यमंत्री के साथ ऐसा बर्ताव आर के लोग तो गांव में जो नीतीश कुमार के लोग हैं रहने वाले उनके समर्थक लोग हैं उनको चाहने वाले लोग हैं जिन लोगों ने उनको बनाया उनके साथ आर के लोग क्या बर्ताव आगे आने वाले दिनों में करेंगे यह सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को लेकिन खैर अब जहाँ पहुँच गए हैं जिस स्टेज में मुख्यमंत्री जी अब वहाँ नहीं सोचने वाले हैं उन्होंने तो जिद ठान ली है कि फिर से पंद्रह साल 2005 के पहले का जो पंद्रह साल था जिसके खिलाफ अभियान चला करके नीतीश कुमार जी ने बिहार को बाहर निकाला फिर से वही सौंपने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे हैं उनका निर्णय इस तरह का हो गया है होता रहे हम लोगों का संकल्प है कि, कि किसी भी स्थिति में हम लोग बिहार को पुरानी स्थिति में नहीं लौटने देंगे और इसी कारण से हम लोगों ने हमारे साथियों ने मिलकर नई पार्टी का गठन किया राष्ट्रीय लोक जनता दल और इसी पार्टी को लेकर हम लोग अभियान में निकले हैं बिहार के जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि परेशान मत होइए बिहार वहां नहीं जाएगा आपका साथ सहयोग चाहिए बिहार को वहां जाने से हम लोग बचाएंगे चौबीस में क्या आप गठबंधन से करेंगे देखिए गठबंधन हम नहीं करेंगे या गठबंधन हम करेंगे इस पर हमने अपनी पार्टी में तय नहीं किया है अभी चार दिन पहले पार्टी का गठन हुआ है हम अपने साथियों के साथ बैठेंगे विमर्श करेंगे और फिर गठबंधन पर हम जो भी स्टैंड बनाएंगे आपको उससे अवगत कराएंगे लेकिन इतनी बात तो तय है कि हम जिस मकसद से निकले हैं उस मकसद को पूरा करने की दृष्टि से जिनका भी साथ सहयोग सा मिलेगा हम उनके साथ गठबंधन में जा सकते हैं पुरानी स्थिति में बिहार नहीं लौटे इस बात की आकांक्षा रखने वाले जो लोग होंगे उनके साथ हमारी दोस्ती हो डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाए खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें